बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। उस्ताद, उस्ताद। मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। मुझे कोई चिपकू बेताल बेताल नहीं चाहिए। क्या किया इसने? पूरे हफ्ते मुझे बहुत परेशान किया है, ना खाने देता है ना सोने देता है। भीम कुछ करो। क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? इस जादू से मैं सबको हरा दूंगा। बेताल का मजाक मत उड़ा, मेरा जादू अब कमजोर नहीं। ये ले। रुको भीम। चलता हूँ दोस्तों, अलविदा। पर ये सब हुआ कैसे कालिया? पहलवान, कसरत का समय है, जल्दी अखाड़े में पहुँचो। फूलों में खाद डालूंगा फिर आऊंगा। अरे ये सब काम बाद में भी होते रहेंगे, कसरत से जरूरी कुछ नहीं। मेरे प्यारे पौधों से जरूरी कुछ भी नहीं। पहलवान का फूल गाय खा गई, अब तो पहलवान बहुत नाराज होगा। देख देख, बिल्कुल पहलवान के लाल फूल जैसा है। क्यों ना हम ये लाल फूल कालिया उस्ताद को पकड़ा दे? आपको ये फूल देकर माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, अभी मुझे देर हो रही है, तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने क्या किया? ओ, नहीं। जिसने मेरे पौधे तोड़े मैं उसे तोड़ डालूंगा। नहीं उस्ताद। कोई तो तरीका निकालना होगा। सपना क्या, अब तो सच ही होगा। मैंने सोच लिया है कि अपनी टीम को मजबूत करने के लिए और भीम और उसकी टीम को जलाने के लिए मेरे पास भी एक पालतू जानवर होना चाहिए। नहीं, मैं बंदर नहीं लाऊंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं भीम की नकल कर रहा हूँ। मेरा प्यारा गधा, इसका नाम है घोंचू। चलो बहुत हो गया, अब काम का टाइम है।
ले 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 खा ले। हर हर घोचू चल चल। इसका नाम मिट्ठू है। अभी अपने मीठे मीठे लड्डू चखा दो तो ये तुम्हारे बारे में तुम्हारे लड्डू की ही तरह मीठी मीठी बातें बताएगा। नहीं नहीं मौसी वापस कर मेरे लड्डू, तुझे तो अब एक भी नहीं मिलेगा। मिट्ठू के बच्चे तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इसको यहाँ बुलाने के लिए तो एक दूसरा तरीका है। वाह उस्ताद, ये बनेगा मेरा सच्चा साथी। अरे बाप रे। गोरिला लाया था, अब दो और आ गए और मेरे घर पर कब्जा कर लिया। अरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू चुप कर। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। बताओ मुर्गा बनने से किसका भला होता है? अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। अगर एक और बार मुर्गा बनना पड़ा तो चुपके से खिड़की से निकल जाता हूँ। और अगर मास्टर जी भीम के साथ मुझे ढूंढने आए तो एक काम करता हूँ, जंगल में जाकर छुप जाता हूँ। अरे कालिया, आज तुम स्कूल नहीं गए हैं? वो असल में आज स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। कालिया कालिया कहाँ है? लगता है आपके डर से खिड़की से बाहर भाग गया। चलो पहले उसे ढूंढ कर लाते हैं। ला 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 ला। बचाओ बचाओ। आपने देखा कालिया को? कहाँ गया वो? जंगल की तरफ भागा जा रहा था। हम कालिया को ढूंढकर स्कूल ले आते हैं। बचाओ बचाओ। ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कालिया यहाँ आओ। कालिया नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? दिखा दो भीम को कुश्ती कैसे लड़ी जाती है।
आज भीम की किस्मत अच्छी थी इसीलिए जीत गया। ढोलकपुर का सबसे दमदार कुश्तीबाज मैं हूँ। मैं तुम सबको दिखा कर ही रहूँगा। कैसे 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 हराऊं मैं भीम को। ओम भूम। यहाँ तो नकली अंगूठियों का बाजार लगा है। महाराज को नहीं बताना, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें अगर छोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ, ये लो ये छोटे तीर, किसी पर भी चलाओ और वो बेहोश हो जाएगा। हाँ हाँ, रख लो और मुझे छोड़ दो। क्या ये सच में काम करेंगे? हाँ हाँ, चाहो तो अपने आप पर आजमा लो। हाँ ठीक है ठीक है। सुना है कल ढोलकपुर में कुश्ती का मुकाबला होने वाला है। हाँ, सुना है कीचक भी हिस्सा लेगा। और हाँ, उसमें मैं जीतूंगा। हिस्सा तो ले रहा है, पर कहीं इसके ही हिस्से ना हो जाए। ये लो, जब भीम मैदान में उतरेगा तो चुपके से उसे तीर मार के बेहोश कर देना, ठीक है? पहले कुश्ती लड़ेंगे कीचक और कालिया। ये अच्छा है, पहले भीम कीचक को हराएगा, फिर मैं भीम को ढेर कर दूंगा। जीत भी मेरी, बट भी मेरी। लगा है कालिया थोड़ी देर तक होश में नहीं आएगा। अजीब सा भैंसा है। अरे बेवकूफो, वो भैंसा नहीं दरियाई घोड़ा है। शेर पिंजरे में है तब ये दोनों इतना डर रहे हैं। ये शेर अपने पिंजरे से बाहर आ जाए तो ये कंगारू क्या गजब कूदता है। ऐसा लगता है पैर में स्प्रिंग फिट हो रखे हैं। चलो हम भी पिंजरे के अंदर जाकर देखते हैं कि हम में से कौन ऊंची कूद लगाकर दीवार कूद सकता है। एक हाई जंप कंपटीशन करते हैं। हाई जंप का तो मुझे भी बहुत शौक है। अब बच्चे कूदेंगे 3 फीट की ऊंचाई से। ये 3 खिलाड़ी कूदेंगे 6 फीट। जो मैं भी कूद कर दिखाऊंगा। फिट 3 इंच कूद पाएंगे। अभी आप दोनों के पास 2 चांसेस और हैं। आ रहे हैं कालिया। कालिया पर प्राइज लेने के लिए
अभी थोड़ा और कूदना पड़ेगा। अरे डोलू, क्या तुझे याद है कि कल कालिया उस्ताद का जन्मदिन है? हमने आज रात कालिया उस्ताद के जन्मदिन पर एक दावत रखी है। आपको उस दावत में बुलाने के लिए आए हैं। मैं जरूर आऊंगी। क्या जन्मदिन है, मुझे बधाई भी नहीं मिली। कालिया उस्ताद, कालिया उस्ताद, जन्मदिन मुबारक हो उस्ताद। उस्ताद, हमने आज रात को एक दावत रखी है। जो मुझे आज तक जलाती रही, आज वही भीम को जलाकर राख कर देगी। और इस बार तो किस्मत भी मेरे साथ है। अब मेरे नकली डोलू और भोलू पूरे ढोलकपुर के सामने भीम को सबक सिखाएंगे। हम बुरे जादूगरनी के घर बेहोश पड़े थे, चुपके से भागे हैं वहाँ से। तो मुझे जाना ही होगा। छोड़ दो मुझे। खुद को देखा है कभी? इतना सा तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग। दिमाग का लड़ाई में क्या काम, वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। लो, अपने आकार को लेकर बहुत इतराते हो ना, ये करके दिखाओ। ज्यादा सोच का पलना भारी होता है। चल हट, मैं दिखा दूंगा कि ताकत के सामने कोई दिमाग विमाग नहीं चलता। तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है? मेरे पास सभी कुछ खास है। हमने तुम दोनों के लिए 5 कार्य सोचे हैं। जल्दी करो, मुझे जीतने के बाद पेट पूजा भी करनी है। कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और सोच दोनों को ही एकजुट करके कोशिश करनी चाहिए। चलो चलो, बहुत हो गई बातें। लेखक बनना कितना कठिन काम है,
मेरी कहानी का शूरवीर है एक महाशक्तिशाली लड़का, भीम जैसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे शूरवीर का नाम है कालिया, जैसा कोई नाम चाहिए होगा। हाँ, मालिया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो एक दिन मालिया जंगल में घूम रहा था। डुग 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 डुग। आसमान से एक तेज आती हूँ। क्या समझोगे? एक लेखक की पहचान और शान। क्या कहा तुमने? असली लेखक को कैसे पहचान सकते हो? ना मान गए? बैठो ना। मैं एक शानदार लेखक हूँ। क्या कमाल हो गया, मैं बन गया हूँ मेरी कहानी के शूरवीर। भीम, अब तुम मुझे पंजे में नहीं हरा सकते। मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। ये क्या, मेरी कहानी अपने आप आगे बढ़ रही है? जैसे कहूँ करते जाओ, सच में शूरवीर बनते जाओ। शूरवीर जाता है पुराने बरगद के पेड़ के पीछे। चलो ढोलू ढोलू, यहीं कहीं है। हाँ? अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तो कहानी एकदम मसालेदार बन गई। कि हर कहानी में बदमाश का क्या हाल होता है? मेरी कहानी। जादूगर छूमंतर आज ढोलकपुर आ रहे हैं। तुम उनका जादू देखने चल रहे हो ना? आज मुझे प्रोफेसर की मदद करने जाना है। तो क्या प्रोफेसर एक दिन और नहीं रुक सकते? नहीं चुटकी, आज तो जाना ही होगा। चुटकी, मेरे पास एक और टिकट है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी कालिया। चुटकी आपके साथ जाने को तैयार हो गई है, अभी से ही तैयार होना शुरू कर दीजिए। तुम दोनों अभी जाओ और मुझे गोरा करने की क्रीम लेकर आओ। जाओ, कहीं से भी लेकर आओ। देखो वो क्या गिरा, चमकने वाली क्रीम। सही है, इसे उस्ताद कालिया के पास ले चलते हैं। आज सेठ के सारे आदमी जादू देखने गए हैं। तुम तिजोरी साफ करना मत भूलना। वो रही चुटकी, लगता है आप ही का इंतजार कर रही है। तो मुझे भी जादू देख ही लेना चाहिए। ओह, लगता है कि जादू का खेल शुरू होने वाला है। अरे उस्ताद, आपका चेहरा तो। अरे ये तो कालिया है, तुम्हें क्या हुआ? क्यों, मुझे क्या हुआ? अरे ये क्या चीज हमारी तरफ आ रही है? तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोलो भाग। अब दुख आया रे। क्यों मौसी, क्या हुआ? ऐसी उदास क्यों बैठी हो? अरे पैरा देकर भी लड्डू चोरी हो रहे हैं, क्या करूं? मौसी, पैरा देना तेरा काम नहीं, मैं और ढोलू भोलू पैरा देंगे, मगर उसके लिए रोज 3 लड्डू देने पड़ेंगे, एक भी लड्डू गायब नहीं होगा। मेरे लिए 2,
ढोलू बोलू के लिए आधा आधा। अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। ए, अब तुम दोनों पहरा देना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे क्या हुआ? उस्ताद, लड्डू फिर चोरी हो गए। निकम्मो, एक काम नहीं करते ठीक से। उस्ताद। अरे तेरे ढोलू भोलू तो निकम्मे निकले। हाँ मौसी, पर तू चिंता मत कर, अब मैं खुद ही पहरा दूंगा। अच्छे से नजर रखना, फिर लड्डू गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझा? मैं जा रही हूँ रोटियां बनाने। सुनो सुनो गांव वालों, सुनो, देखो रे देखो, बंदर का कमाल, जादू का धमाल, किड़ी कुड़ू कड़ंग भा, जग्गू बन जा तू बुढ़ा। भीम तो वहाँ है, तो लड्डू कौन चुराएगा? चलो देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। और कालिया पहलवान की थैली में है दो लड्डू। झूठ, मेरी थैली खाली है। देखो तो भाई, थैली में लड्डू है। ठहर जा। नहीं नहीं नहीं। अरे ठहर तू। अरे लड्डू चोर कालिया, तू है असली चोर। ठहर तू, चोर पे पड़ गए। मैं तो कोई खास चीज खरीदूंगा। टैटू? ऐसी खुजली मची है जैसे 1000 मच्छर एक साथ एक जगह काट गए हो। ओहो, वाह, ये तो मजा ही आ गया। मेरी तो लॉटरी निकल पड़ी। कुछ दावत हो जाए, समोसे, जलेबी और खूब सारी रस मलाई। सुना नहीं तुमने हमने क्या क्या ऑर्डर दिया है? बड़े सुस्त जीनी लगते हो। मैं ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला जीनी हूँ। अब तुम जाओ और मेरे लिए नींबू पानी बनाओ, फटाफट। मैं नहीं बनाऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, खारिश करने दो। जीनी से पंगा, खतरनाक। अच्छा चलो एक किक ही मार के दिखा दो। ये